अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हो आप सब खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है 8 मार्च और हम सबका, पूरे घर में सबका रोज़ा है। तो मैं तो फैल जी फ्री थे तो आ गए अपनी सासू अम्मी जन्नत अम्मी के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ साड़ियाँ ले रहे हैं जैसी उन्हें पसंद है। इस शॉप की साड़ी उन्हें बहुत अच्छी लगती तो वही ले रहे हैं, फिर हमें भेजना है मतलब मेरे ससुराल। तो यहाँ पे से हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं और फिर चलते हैं इफ्तार की तैयारी करने के लिए। वाओ, व्हाट इज दिस यासीन? वाटरमेलन। खाइए, टेस्टी, डिलीशियस, यम्मी। शबे बारात की रात हम लोग सोए नहीं बिल्कुल भी और आंखों में इतनी मिर्ची लगी हुई है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। जब तो फैल जी भी आ गए फजर की नमाज पढ़ के, फिर हमने घर में पढ़ी, उसके बाद भी हम लोगों ने मतलब कुरान शरीफ वगैरह पे पढ़ ही रहे थे। हम लोग बैठे नहीं बिल्कुल भी ना, हम लोग सोए। और सुबह का टाइम था जब मैं नेहा के साथ बैठ के बातें कर रही थी, वो उस टाइम 11 बज रहे थे और अब ये शाम के बज रहे हैं 4। तो कर रहे हैं इफ्तारी की प्रेपरेशन। तो यहाँ पर चने आप देख सकते हैं, एक मसाले वाले और थोड़े से बिना मसाले वाले, ये अब्बू जी के लिए हैं। और यहाँ पर मैं ये तल लेती हूँ, इसको हम बहुत ही क्यूट क्यूट से बोलते हैं, चीड़ी छक्के बोलते हैं। फिर उसमें हार्ट शेप है और कुछ कुछ है। तो अभी तेल हमने चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, तो अभी वो गर्म हो रहा है। तो एक दो डाल के देख रहे हैं कि अच्छी तरह से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं पहले तल लेती हूँ ये, क्योंकि जब ज़्यादा तेल होता है ना और ये तल लो ना तो काफ़ी अच्छे से तलाते हैं। कम तेल में आधे कच्चे रह जाते हैं आधे पक्के, ज़्यादा तेल में बहुत अच्छे से तला जाते हैं। और तेल ये बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं कि ऑयली होता है ये। तो यहाँ पर ये हो चुका था, लेकिन थोड़ा सा और तेल गर्म होने दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा और होगा। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। तो बहुत सबको नींद आ रही है इतनी ज़्यादा कि हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि इफ्तारी का काम करें। लेकिन हाँ, ना रोज़ा लगा ना प्यास लगी, कुछ नहीं लगा और मज़ा आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आज सब लोग बैठ के इफ्तारी करेंगे एक साथ, अब्बू अम्मी मैं तो फैल जी सब पूरी फैमिली। तो उसी की तैयारी सोचते थे कहाँ पे बैठे, इतने सारे लोग हैं कहीं पे जगह नहीं है ढंग से बैठने की। तो नेहा ने जगह बनाई तो वो कर रही थी, मैं यहाँ ये तल रही थी। तो चने जो हैं मम्मी ने बनाए थे, फ्रूट्स जो हैं नाज नेहा ने काटे थे और ये तलने का काम मैं करती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं दस्तरखान लग चुका है और यूसुफ यासीन आ चुके हैं मेन रोज़ेदार, मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह। और खाते कुछ नहीं है ये दोनों, बस मस्ती करते हैं, इस इधर का उधर, उधर का इधर। वो कहते हैं ना, इस कोठी का दान उसका कोठी में, उस कोठी का दान इस कोठी में, ये मेरी अम्मी बोलती है। ये दोनों बस वही करते हैं और सबको कहेंगे आओ बैठो बैठो खुद, लेकिन कुछ रमजान मुबारक। मम्मी मम्मी खाओ, ऐसे करो, रमजान मुबारक कहो यासीन, ऐसे करो बोलो रमजान मुबारक, वालेकुम सलाम, बोलो रमजान मुबारक, बोलो उसके मुंह में पानी आ रहा है अभी नहीं खाएगा। तो पहले दस्तरखान जल्दी से लगा दिया था और यहाँ पर मैं चने में सारी चीज़ें मिक्स कर रही थी, जैसे कि टमाटर, खीरा, मूली, धनिया पत्ता, प्याज, जो भी हमें पसंद है। कभी कुछ ज़्यादा भी होता है कभी कम होता है, पर आज सब कुछ अवेलेबल था और लेमन भी। तो यहाँ पर मिक्स कर रही थी और सारी चीज़ें डाल दी, पर फिर मुझे बर्तन छोटा लगा क्योंकि अभी जो रमज़ान के बर्तन है वो निकले नहीं है। आज बस एक ही दिन का रोज़ा था हम लोगों का क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही रखते हैं। तो यहाँ पर मिक्स करने के लिए सोच रही थी कि फिर हाफ एंड हाफ कर देती हूँ, दो जगह कर देती हूँ। तो वही किया मैंने, पहले मिक्स कर दिया दोनों को, इन सबको एक साथ, ताकि सब में मिक्स हो जाए अच्छे से, और फिर मैंने इन्हें दो जगह पे कर दिया। और आज गाइस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ माशाल्लाह, आज तुफैल जी के साथ हमारा फर्स्ट इफ्तारी है, पहली बार तुफैल जी हम लोगों के साथ इफ्तारी करेंगे। इतने साल हो गए, 8 साल हो गए शादी को, लेकिन कभी भी हम लोगों ने रमज़ान रोज़ा एक साथ नहीं मनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और पूरी फैमिली के साथ तो और कभी नहीं मनाया, तो ये पहला है। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर बहुत अच्छे से एतमाद हो चुका है, बस सबका वेट कर रहे हैं, मैं लेकर आती हूँ। चलिए इफ्तारी लग चुकी है, चलिए 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 चलिए, साली सब ने बहुत अच्छे से अरेंज, चलो 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 चलो, सब बैठ गए। चलिए आप अजान होने वाली है जस्ट, तो बैठ के दुआ हुआ मांगिए। बैठिए गलत जगह पर बैठ, वो जो वो पर्दा पीछे करिए वो टूट जाएगा।
माशाल्लाह बस टाइम होने ही वाला था, अब्बू भी आ गए, अम्मी भी आ गई और अम्मी देखी नींबू डाल रही है चनों में। और अब्बू की तो हमेशा से कोशिश होती है, जब से यूसुफ यासीन हमारी लाइफ में आए कि उन्हें खिलाओ खिलाओ, लेकिन वो दोनों खाते कहाँ से, बैठते हैं बदमाशी करते हैं और नानू को तंग करते हैं, मामू को तंग करते हैं और अब तो इस साल अब्बू जी को भी तंग करेंगे। तो ये फर्स्ट इफ्तारी तो फैल जी हम सबके साथ कर रहे हैं माशाल्लाह, ये फर्स्ट इफ्तारी। चूहे आए, चूहे लिमका लेकर आए, चूहे दिखाओ दिखाओ। हाँ। दे दो भैया को, दे दो वो भैया को, दे दो। हो गई लड़ाई, हो गई लड़ाई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। दे दो भैया का वो वाला है। आजकल के बच्चे पेरेंट्स को मारते हैं। चलो चुप हो, चुप करा दिए। हाँ चुप हो गया। ये वाला टेप्सी। अच्छा गिलास की लड़ाई है। ओके चलो डन फाइनल। अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये पहला इफ्तारी था आज हम सबके साथ बच्चों के साथ, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हर बार 15 साल से सऊदी में और पहली बार यहाँ, खुश है ना? चले खुश है ना? आप खुश रहेंगे तो मैं खुश रहूंगी। सच्ची सच्ची। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब रमजान, ईद, ईद की शॉपिंग के लिए पैसे कब दे रही हूँ मैं? रमजान से पहले शॉपिंग करना चाहती हूँ क्या? हाँ जल्दी दे रहे ना, जल्दी 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 दीजिए। एटीएम से पैसा निकालूंगा, दे दूंगा। अफ्तार के बाद बस मस्त सी चाय मिल जाए, वो भी नेहा के हाथ के, उसके बाद क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा प्रॉपर व्लॉग 8 मार्च का, होप आप लोगों को अच्छा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल करिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। अल्लाह हाफिज़।